ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पर्वादिराज दशलक्षण महापर्व हर आत्मार्थी के लिए आत्म साधना आत्म आराधना के महान पर्व के पल, महान पर्व के दिन अपने जीवन में आते हैं। ऐतिहासिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वत्रिक ऐसा यह महापर्व हम आप लोगों को अध्यात्म संदेश, निष्पाप, परम वीतरागमय, वैराग्यमय, आनंदमय जीवन जीने के लिए सहजता का संदेश देता है। इस उपलक्ष्य में एक बहुत अलौकिक कृति हाथ में आई जिसका नाम है प्रतिक्रमण सूत्र, अविरद सावग पड़िकमण सुत्तम, अविरत श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, और जिसका संपादन लेखक और अनुवादक के रूप में प्रोफेसर सुदीप कुमार जी जैन, जो वरिष्ठतम प्रोफेसर हैं प्राकृत भाषा विभाग के अंतर्गत श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। आप पंडित टोडरमल स्मारक सिद्धांत महाविद्यालय के वरिष्ठ स्नातक रहे हैं और हम जैसे विद्यार्थियों के लिए ज्येष्ठ बंधु और गुरु के स्थान में रहे हैं, बहुत अद्भुत विद्वत्ता के धनी। उनका यह संकलन, जिसकी अपूर्व अर्थ सभर प्रस्तावना, जिसके अंतर्गत प्रतिक्रमण से संबंधित सभी आयामों की अपूर्व चर्चा की है, यहाँ छोटे छोटे किस्तों में, छोटे छोटे स्वाध्याय सत्रों में हम आप लोग जिनागम के आलोक में आगम और अध्यात्म की दृष्टि से प्रतिक्रमण की क्या विभावनाएं हैं, प्रतिक्रमण का क्या अर्थ है, क्या स्वरूप है, क्या महत्व है, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रतिक्रमण का विधि विधान क्या है, उनसे संबंधित गुणदोष आदि की अपूर्व चर्चा यहाँ हम आप लोग करेंगे। प्रारंभ करते हैं। मनुष्य की सामाजिकता का सबसे बड़ा आधार है कि वह स्वयं अच्छे आचार विचार रखे और दूसरों के साथ भी परस्पर हितकारी व्यवहार करे, अन्यथा छली प्रपंचियों एवं क्रोध लोभ पूर्ण अनैतिक आचरण करने वालों से तो कोई शिष्ट व्यक्ति संबंध ही नहीं रखना चाहता है। मनुष्य की सद्विचार सदाचार एवं सद्व्यवहार की आदर्श परिणति में सबसे बड़ी बाधा उसकी वैचारिक एवं चारित्रिक कमजोरियाँ ही हैं। इन कमजोरियों से वह बचना तो चाहता है, किंतु इसके लिए कोई आदर्श व्यावहारिक पद्धति लोक जीवन में सुलभ नहीं है, इसलिए वह चाह कर भी अपने जीवन को आदर्श नहीं बना पाता है। मनुष्य के जीवन को आदर्श बनाने की मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक प्रक्रिया प्रतिक्रमण है, जिसे जैन दर्शन में
वर्तमान परिस्थितियों में अनिवार्य जीवन शैली बताया गया है। यहाँ एक विशेष प्रमेय का उद्धरण जरूर प्रस्तुत करना चाहेंगे। नियमसार ग्रंथादिराज जो अंतरंग चारित्र प्रधान अपूर्व अध्यात्म का ग्रंथ है, निश्चय चारित्र के प्रकरणों में परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार के नाम से आचार्य देव ने समग्र अधिकार ही शुद्धोपयोग रूप, चाहे वो आलोचना हो, चाहे वो प्रतिक्रमण हो, चाहे वो प्रत्याख्यान हो, चाहे वो परम भक्ति हो, चाहे परम समाधि हो, सारे प्रकरण उन्होंने शुद्धोपयोगी आत्मसाधक निर्ग्रंथ मुनि भगवंत की अंतरंग की साधना के संदर्भ में ही ये सारे विषय प्रतिक्रमण आदि लिए हैं। यहाँ जिनागम का एक अलग परिवेश लेकर के प्रतिक्रमण से संबंधित हम आप लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रतिक्रमण का अर्थ, प्रतिक्रमण का परिचय जिनवाणी में कृत दोषों के परिष्कार की स्वाधीन विधि के रूप में मिलता है। अपने स्वरूप एवं भूमिका की मर्यादा से यदि उपयोग या चर्या कहीं भटक जाए, मर्यादा विहीन हो जाए, तो उसे पुनः लौटाकर मर्यादित करने की प्रक्रिया का ही नाम प्रतिक्रमण है। यह अद्भुत वैज्ञानिक की प्रक्रिया है एवं श्रावक से लेकर साधु तक सभी को अपने अपनी भूमिका अनुसार अनिवार्य कर्तव्य है। ज्ञान और चर्या दोनों को अद्यतन एवं सामंजस्य पूर्ण बनाकर जीवन शैली को निर्दोष बनाए रखने की यह अद्भुत विधि है। एक ओर जहाँ यह शिष्टाचार का पुनीत पाठ है, तो दूसरी ओर आत्मबल को निरंतर जागरूक रखने की अप्रतिम कला है। वर्तमान युग के लिए ऐसी नितांत अपरिहार्य प्रक्रिया और कहीं दूसरी नहीं मिलती है। प्रतिक्रमण की पृष्ठभूमि, वर्तमान अवसर्पिणी काल में इसका शुभारंभ प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के प्रधान गणधर वृषभ सेन ने किया था। इसका कारण था कि उस समय लोग सरल प्रकृति के तो थे, छल छिद्र नहीं करते थे, किंतु वे धर्म व इसकी मर्यादाओं से भी अनभिज्ञ थे। इसीलिए उन्हें रुजु जड़ कहा गया। अज्ञान के कारण उनसे धर्म विधि में गलतियां होनी स्वाभाविक थी, अतः वे अपनी गलतियों को पहचान भी सकें और स्वयं ही उसका सुधार भी कर सकें। इस दृष्टि से उन्हें प्रतिक्रमण का अनिवार्य विधान किया गया था। बाद में धर्मचर्या करते करते वे लोग धर्म विधि को अच्छी तरह से जान गए, तो उन्हें प्रतिक्रमण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई और मात्र गलती होने पर ही प्रतिक्रमण करने का निर्देश किया गया। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी से लेकर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी तक कुल 22 तीर्थंकरों के काल में प्रतिक्रमण के विषय में यही नीति रही, किंतु 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का काल आते आते शिष्यों की प्रकृति धर्म विधि के प्रति उदासीनता पूर्ण होने से अज्ञानता की भी हो गई थी और वे जितनी जो धर्म विधि करते भी थे उसमें बाहरी दिखावा बढ़ गया था, वह अंतरंग विशुद्धि घटती जा रही थी। इसीलिए इन लोगों को वक्र जड़, कुटिल भी अथवा अज्ञानी भी
की संज्ञा मिली। इस स्थिति को देखते हुए महावीर स्वामी के प्रधान गणधर इंद्रभूति गौतम ने महावीर स्वामी की शिष्य परंपरा के समस्त श्रमणों व श्रावकों को प्रतिक्रमण की विधि अनिवार्य कर दी गई। जिनाम नाई में प्रतिक्रमण का स्वरूप एवं महत्व। प्रतिक्रमण जैसे स्वाधीन एवं सटीक नियमित व नैमित्तिक आत्मशोधन की व्यापक विधि मात्र जैन दर्शन में ही देखने को मिलती है। यह जहाँ आत्मिक शुद्धि ही शुद्धि की विधि है, वहीं लौकिक दृष्टि से भी यह शिष्ट जनों की दृष्टि से आदर्श आचार्य संहिता के रूप में अनुकरणीय है। शिष्टाचार का पहला पाठ। प्रतिक्रमण का मूल मंत्र है कि अपनी गलती को पहचानो व उसे तुरंत स्वीकार करो और प्रतिक्रमण की विधि से तुरंत ही उसका परिष्कार कर लो। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यद्यपि आत्मिक शुद्धि में है, तथापि यह एकमात्र धर्म विधि है जो लोक में शिष्ट जनों के लिए अनुकरणीय आदर्श बनकर लौकिक प्रतिष्ठा एवं सामाजिक सम्मान का कारक भी सिद्ध होती है। क्योंकि लोक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कभी कोई भी गलती नहीं हुई हो, परंतु यह भी सत्य है कि समाज में शिष्ट और सभ्य उसे ही माना जाता है जो कि अपनी गलती को तुरंत पहचान कर न केवल उसे स्वीकार करता है बल्कि उसे सुधारने एवं भविष्य में पुनः नहीं करने की ईमानदार प्रक्रिया भी करता है। लोक जीवन में प्रतिक्रमण की व्यावहारिकता एवं वैज्ञानिकता। लौकिक दृष्टि से शिष्ट समाज में जहाँ लोग गलतियों को स्वीकार करना, उन पर खेद व्यक्त करना तक तो शिष्टाचार के नाते कर लेते हैं, परंतु आध्यात्मिक तौर पर उन गलतियों के पुनः न हो सकने एवं हो चुकी भूलों को मिटाने की कोई वैज्ञानिक विधि लोक के पास नहीं है, सिवाय सॉरी बोलने के। उनके अनुसार सॉरी नहीं बोले तो समाज में अशिष्ट माने जाते हैं। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में जो प्रतिक्रमण नहीं करें तो वह धर्म में अशिष्ट व्यक्ति माना जाता है। यहाँ यह स्वाभाविक प्रश्न है कि तो धर्म की दृष्टि से हमें प्रतिक्रमण कब कब करना चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, एक, जब गलती हो तभी करना चाहिए। दो, जब हम अपनी गलती को गलती के रूप में पहचान कर उस गलती की समीक्षा कर सकें तब प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए। और तीसरा, जिनवाणी के ग्रंथों में आचार्यों ने जो निर्देश दिए हैं उन शास्त्रोक्त निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर करना चाहिए। प्रतिक्रमण के योग्य गलतियाँ। जीवन में गलतियाँ कई तरह की होती हैं। कोई सामान्य भूल चूक के रूप में होती हैं तो कुछ गंभीर अपराध के रूप में। इन्हें हम निम्नलिखित तीन वर्गों में रख सकते हैं। एक, जानबूझकर की गई गलती, अपराध। दूसरा, अनाचार। तीसरा, अतिचार। तो सांकेतिक रूप में यहाँ यही कह सकते हैं कि प्रतिक्रमण मात्र अतिचार रूप हल्के दोषों भूलों गलतियों का ही होता है। प्रतिक्रमण की प्रक्रिया में समाहित कार्य। एक, दोषों की पहचान। इसके अंतर्गत जो शास्त्रों के अनुसार गलतियों की पहचान समझते हैं वे स्वयं पहचाने, और जो स्वयं इतनी व्यापक जानकारी नहीं रखते हैं वे प्रतिक्रमण के पाठों से, जिनवाणी से उन दोषों को अपनी गलती के रूप में पहचानते हैं। दूसरा, दोषों की आलोचना। हम ईमानदारी से उन दोषों को अपनी गलतियों के रूप में स्वीकार करते हुए उनको नहीं किया जाने योग्य अपराध स्वीकारते हैं।
उसे ही हम सरल शब्दों में आलोचना कह सकते हैं। तीसरा, पुनः न करने का संकल्प। अपनी भूल को गलती के रूप में स्वीकार करने व अपना अपराध मानने से बात पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि पुनः जीवन में नहीं करने का संकल्प आपके परिणामों की पवित्रता को प्रमाणित करता है। चार, भक्ति विशेष। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से अपनी भूल को पहचान कर उसे सुधारने की प्रक्रिया को समझते हैं, तो उसके हृदय में उस सद्बुद्धि प्रदाता के लिए अगाध बहुमान का भाव स्वाभाविक रूप से जगता है और वह निश्चलता से उसकी सविनय अभिव्यक्ति करता है। इसी का रूप भक्तियों का पाठ होता है। पांचवा, समता भाव या सामायिक। अपनी गलती पहचानने पर जो अपराध बोध से ग्रस्त होकर उस व्यक्ति को व्यग्रता हुई थी, उस अपराध का निवारण करने की प्रक्रिया एवं भक्ति करने के बाद स्वाभाविक रूप से उसकी व्यग्रता शांत होती ही है और वह निर्भार होकर साम्य भाव में अपने को पाता है। यही वास्तव में सामायिक है। छठा, कायोत्सर्ग। जब अपराध बोध दूर होकर व्यक्ति स्वस्थ होकर साम्य भाव का अनुभव करता है, तो वह अपनी निरपराधी वृत्ति की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कायोत्सर्ग की अत्यंत आध्यात्मिक प्रक्रिया करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमारी दूर करने के बाद निश्चिंत होकर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम आदि की प्रक्रियाएं करता है, यह कायोत्सर्ग भी आध्यात्मिक रूप से पाप प्रतिरोधक क्षमता यानी आत्मबल बढ़ाने की ही विशिष्ट प्रक्रिया है और यह प्रतिक्रमण की अंतिम एवं अनिवार्य विधि है। इसके बिना प्रतिक्रमण की पूर्णता नहीं मानी जाती है। यहाँ इतना ही पर्याप्त है। शेष अगले सत्र में। ओम नमः सिद्धेभ्यः।